बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लिमिटेशन है। अगर आप बिना अकाउंट बनाए हुए, बिना लॉगिन आईडी बनाए हुए या बिना यूपीआई पे रजिस्टर्ड हुए कोई भी बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो आपको उस बिजली की वेबसाइट पर जाना होगा, यानी वो जो बिजली बोर्ड है वहाँ वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंट आईडी लिखा हुआ है, यानी कि जो बिल होता है उसी के ऊपर अकाउंट आईडी होता है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट आईडी डालना है और इसके बाद ये कैप्चा कोड जो है 9+5=14 होता है वो हमने डाल दिया और व्यू कर लेंगे। अब हमारा जो भी बिल होगा वो हमें दिखाई देगा। ऐसी सुविधा आपको यूपीआई पेमेंट ऑप्शन में नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें पूरी डिटेल्स मिल जाती है, कितना हमारा बकाया है, कितना हमें जमा करना है और बहुत सारे माध्यम। तो यहाँ मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, इसलिए मैंने पहले पर क्लिक कर लिया है और सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद हालाँकि यहाँ पर एक बार आपकी डिटेल फिर से आ जाती है ताकि आप कंफर्म हो जाएं और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको जैसे मन करे वैसे आप पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर एक बार डिटेल्स आपको और दिखाई जाएगी और कितना अमाउंट बाकी है ये दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट करना है। ऐसा बार बार इसलिए किया जा रहा है ताकि पेमेंट में कोई दिक्कत या गड़बड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड या किसी भी तरह का कोई भी कार्ड है या वॉलेट है, कैश कार्ड है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी सुविधा आपको सभी यूपीआई में नहीं मिलती। तो यहाँ क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको सिंपली करना है, क्रेडिट कार्ड या एटीएम है तो उसका कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए और एक्सपायरी डेट आपको डालनी है। इसके बाद सीवीवी कोड होता है 3 अंकों का जो आपके कार्ड पे ही होता है वो डालना है और कार्ड जिसके नाम से है उसका नाम डाल देना है। तो यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम डाल देना है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे नाम छपा हुआ होता है यानी प्रिंट होता है उसको यहाँ डाल देंगे। अगर नहीं प्रिंट है डेबिट कार्ड एटीएम पर तो आप क्या करेंगे, जिसका भी अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस विद पेमेंट पर एक बार और कंफर्मेशन हो जाती है कि कितना पैसा आपके अकाउंट से कटेगा, ताकि आप भूल से कुछ ज़्यादा पेमेंट ना कर दें, बाद में दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से विंडो आगे चली जाएगी। कंप्यूटर पर करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, मोबाइल पर करेंगे तो भी डेस्कटॉप व्यू में आसानी से हो जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ डालना है ताकि पेमेंट पूरी हो सके, यानी पेमेंट प्रोसेस पूरी हो सके। तो ओटीपी मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ, कभी कभी तुरंत आ जाता है, कभी कभी 4 से 5 मिनट लग जाता है ओटीपी आने में, तो वेट कर लीजिए और यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारी जो पेमेंट है वो हो जाएगी, अगर इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है तो आसानी से हो जाएगी। और यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ जाती है, जो भी बिल आपने जमा किया है आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इस तरह से मोबाइल पर भी मैसेज आ जाता है, जिस पर ओटीपी आया था उस पर मैसेज आपको इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी बिजली बोर्ड का जो बिल है उसे जमा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से,